एक्शन। दीपिका तुम आपकी तो इंतजार कर रही थी मैं। मेरा क्यों? अब तुम ना जैसे यहां पे रखने आए, एक कैमरे का जगह कम है, आप अपने को कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो कहां तक। मैं रिवील पहले ही टेंशन में घुसा क्यों? ये है ना, यू नो एक्स हर लाइन का एक मीनिंग है। कब, क्यों, कहां, क्यों, कैसे आ रहे? मुझे वापस से आएगा तो ऑफिस में करो ना, क्योंकि तू पहले से सेट होके आएगा और फिर बात का सेट, फिर वेरिएशन नहीं मिला ना। आया खुश खुश ऑफिस, यार गुड, देखा शॉप, वो शिट, पॉज दे, मतलब एक होता नहीं, देखा समझ गया ना सर, पूरा प्रॉपर तरीके से। चलो एंड रेडी एंड चश्मा देना, बैठ गई ठीक है, पूरा हाँ वेट कर रही है, परेशान है। एंड रेडी, एक रिहर्सल एंड सब लोग देखो, तुम लोग रखो बुक, एंड रिहर्सल एंड एक्शन। नहीं मैं बोलता हूँ। अच्छा पोजीशन देख बेटा कहाँ तक है। हाँ बट स्टार्ट का मैं थोड़ा इसका परेशानी ले रहा हूँ, तू कहाँ तक आएगी? हाँ नहीं ठीक है, ठीक है ना, मैं पेन कर लूंगा। हाँ ये आई, जाओ उधर जाओ, फिर बैठ गई, तू बेटा पीछे रहना थोड़ा, फिर बैठ गई, ठीक है चल रेडी, एक रिहर्सल एंड पहले बैठ, पर तू बैठ, पहले बैठने से क्योंकि कल हमारे रिश्ते का आखिरी दिन है और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप आजाद हो जाएं, लाइन चेक करो, लाइन चेक करो, इस झूठे रिश्ते से, इस झूठी मंगेतर से। आप तो बहुत खुश होंगे ना बेबी गाओ मैं अंकित जी, आपको नहीं पता मुझे बहुत दुख हो रहा है। भले ही हमारा रिश्ता झूठ मूठ का था। हाँ सुन, आप जरूर नहीं जाओ, अच्छा अब जाओ एंड एक्शन, मोमेंट याद रखो। आप इतने साल मेरे साथ रहे, हाँ हमने चाहो तो इसमें हाथ भी पकड़ ली, तुम कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता और करीब हो, तू नहीं छोड़ना चाह रही है, हाथ ले ले। हाँ एंड कंटिन्यू एंड एक्शन। थोड़ा प्रोफाइल देना, कैमरे का हमेशा ख्याल रखो, ये हाँ एक्टर होता है सब कैमरा एंगल भी ले लेता है। हाँ कंटिन्यू एक्शन, यहाँ से लूँ? हाँ एक्शन। अंकित इतने साल मेरे साथ बिताए, तुमको कुछ फील नहीं होता? कुछ तो रिश्ता बना होगा ना हमारे बीच में। वेरी गुड दीपिका, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। मेरी बात नहीं सुन दीपिका, रोली एक्शन। परेशान है, आओ दीपिका तुम आप ही का इंतजार कर रहे हो। मेरा क्यों? हमारे रिश्ते का कल आखिरी दिन है ना, ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कल। आप आजाद हो जाएंगे इस झूठे रिश्ते से, इस झूठी मंगेतर से। आप तो बहुत खुश होंगे ना दीपिका। वो मैं अंकित जी, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये झूठ मुक्त रिश्ता निभाते निभाते मुझे आपसे प्यार हो गया है।
क्या आपको फील नहीं होता कुछ? इतने साल हम साथ में रहे, कुछ तो रिश्ता बना होगा ना हमारे बीच में। एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अंकित रुको, मेरी बात सुनो। मेरे माँ बाप नहीं है, पर आपने भी अपने पापा को खो दिया है। हम दोनों को पता है कि एक रिश्ते को खोने का दर्द क्या होता है। आपके आने का इंतजार रहता है और आप जब चले जाते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। आपको कुछ फील क्यों नहीं होता है? इतने साल तक हम दोनों साथ में रहे हैं, कुछ तो रिश्ता बना होगा ना हमारा। मेरी आंखों में देखो, क्या तुमको प्यार दिखाई नहीं देता? मुझे जाना होगा। निकल जाओ, निकल जाओ, कैमरा तो टर्न करो, बैठ जाओ। ओके कर। उस स्टोरी पे तुमको क्या फील हुआ? कैमरे के सामने कैसा तुमने किया, क्या एक्सपीरियंस हुआ और कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान? एक्सपीरियंस तो मुझे तो लगता है डेली एक सीन वर्क करना चाहिए कैमरे के सामने, क्योंकि आपने जो बताया डिक्शन, मॉड्यूलेशन और मेमोरी, अगर इन तीनों का प्रैक्टिस करते करते अगर हम डेली सीन वर्क करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ इससे। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, सच में निकल रहा था अंदर से कि हम लोग शूट। और सामने वाली एक्ट्रेस, हाँ वो खासकर मेरे से एक लेवल अप हो तो और सामने वाला जल्दी अच्छे सीखता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप सामने परफॉर्मेंस कर रहे हो तो अगर आपके सामने होता है एक्शन का रिएक्शन, याद रखना हमेशा, क्योंकि आप जैसा एक्शन करोगे सामने से आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा। तो हमेशा आप स्क्रिप्ट ध्यान दीजिए, अगर सामने का बंदा अगर भूल गया तो कभी हंसिए मत। और सबसे बड़ी बात है कि मेमोरी, अगर वो याद नहीं होगा, डायलॉग याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। सर याद करने से अच्छे समझना। बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कान तुम बताओ, मुस्कान पे जाओ। हाँ तो सर मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद क्लास आ जाई हूँ तो मुझे अच्छा लगा करके। और सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि अंकित ने जिस तरीके से कॉपरेट किया, अगर वो कॉपरेट मुझे नहीं करता तो मैं भी शायद मैं अपना वो जो मैंने वहाँ पे दिया 100% नहीं दे पाती। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम सीन वर्क या फिर कोई भी शूट करते हैं तो, कि जो हमारा को एक्टर है अगर वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है तो सामने वाले का भी जो एक्टिंग होता है वो अच्छे से आता है। तो मतलब एक्शन का रिएक्शन अच्छा होता है। बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है ना कि जब डायरेक्टर सीन देता है, जब आप अगर आपने अच्छा कुछ इनहेंस किया तो डायरेक्टर लेता भी, गुड ओके कंटिन्यू। अगर आपने थोड़ा सा भी होता ना, बहुत क्या कर होते फटाफट लाइन बोल दिए चलो और खत्म, नहीं आप और उसमें क्या जोड़ सकते, क्योंकि कैमरे के सामने आप जितना दिखोगे उतना बिकोगे। सीधी सी बात, आप ले ली कि डायलॉग ब्रेड पे बोला और निकल गए, नहीं भाई लो ना टाइम, खेलो ना। हाँ फिर और सर मुझे एक चीज मतलब मेमोरी पे मतलब तुरंत याद किया और इम्प्रोवाइजेशन भी हुआ और स्क्रीन में आके अच्छा लगा। ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि मैं शूटिंग पे ही हूँ और प्रॉपर शूट कर रही हूँ। क्योंकि मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, एक एक्टर को बहुत जरूरी है डायलॉग को याद करना। अगर आपको डायलॉग याद है, डिक्शन और मॉड्यूलेशन, तीन चीज अगर है एक एक्टर अगर अपने पे मेहनत करे तो कभी फेल नहीं होगा। बोला ना एक्टिंग थोड़ा 19-20 होगा तो चल जाएगा, लेकिन हमेशा वो याद करने की कोशिश करे। हाँ चलिए सेकंड, हाँ तुम बताओ पहले। हाँ तो मैं भी बहुत दिनों बाद आई हूँ आज, मुझे बहुत अच्छा लगा सब एक्सरसाइजेस करके, यहाँ पे सीन वर्क करके समझ में आया कि कैमरे के सामने कितना टाइम लगता है खुद को नॉर्मल करने में, सीन में आने में, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा अभी जैसे क्या होता है ना कि आप किसी दूसरे माहौल से आते हो, सेट पे आते हो और सडनली आपको पता नहीं, पता भी नहीं होता कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, क्या है। 100 की यूनिट होती है आपके सामने, और कभी आप उसकी पत्नी का रोल करते हो, कभी प्रेमिका का रोल करते हो, कभी माँ का, कभी बहन का, तो आपको ऐसा तैयार होकर आना चाहिए।
कभी घबराओ मत। सेकंड बार में तुमने पकड़ लिया मुझको, नहीं मुझे ऐसा करना, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि